ज्वाला जी के वार्ड नंबर 7 में स्थित चमनलाल टिम्बर मर्चेंट के गोदाम में अचानक आग लग गई। इस आगजनी से लगभग 3 या 4 लाख का नुकसान टिम्बर मर्चेंट के मालिक को हुआ है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि चारों ओर इमारती लकड़ी भरी हुई थी और साथ ही गोदाम के साथ गौशाला स्थित थी जिसमें पशु बंधे गए थे। ज्वाला जी के वार्ड नंबर 7 में स्थित चमनलाल टिम्बर मर्चेंट के गोदाम में अचानक से आग लग गई। इस आगजनी से लगभग 3 या 4 लाख का नुकसान टिम्बर मर्चेंट के मालिक को हुआ है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि चारों ओर इमारती लकड़ी भरी पड़ी थी, साथ ही गोदाम के साथ गौशाला स्थित थी जिसमें पशु थे। नुकसान में इमारती लकड़ी समेत कोयला भी शामिल है। आग की घटना की सूचना के बाद थाना प्रभारी मनोहर चौधरी के नेतृत्व में उनकी टीम मौके पर पहुंची व मामले को लेकर छानबीन शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चमनलाल टिम्बर मर्चेंट के गोदाम में अचानक से आग लगी है। घर के सदस्यों को आग लगने का पता तब लगा जब सुबह 5 बजे के करीब उठे। इस बाबत पवन गोस्वामी ने बताया कि सुबह उठने के बाद उन्होंने अपने लकड़ी के गोदाम में जहां इमारती लकड़ी के साथ कोयला भी रखा हुआ था, वहां आग की लपटें उठती हुई देखी और आनन फानन में इस बारे में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। पवन गोस्वामी ने बताया कि मामले की सूचना देने के बाद 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंच गई और उसमें रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे उनका लाखों रुपए का नुकसान होने से बच गया। गोस्वामी का कहना है कि इस आग को उसमें रहते काबू ना पाया जाता तो अंदर रखी आरा मशीन और आटा चक्की मशीन जलकर राख हो जाती, जिसकी कीमत लाखों रुपए की है। उन्होंने बताया कि आग की लपटें उक्त शेड के अंदर तक चली गई थी, जहां आरा मशीन के साथ साथ कोयले से भरी बोरियां रखी हुई थी, लेकिन स्मेह रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टलने से बचा लिया गया। पवन गोस्वामी ने बताया कि इस आग की घटना से उनका लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 2 लाख रुपए का कोयला और 3 लाख रुपए की इमारती लकड़ी नुकसान में शामिल है। उन्होंने इस नुकसान को लेकर प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इससे कुछ वर्ष पहले भी चमनलाल टिम्बर मर्चेंट के गोदाम में आग का मामला पेश आ चुका है। इस बीच लाखों रुपए का नुकसान टिम्बर मर्चेंट के मालिक को हुआ था। गोस्वामी, जैसे सुबह हम रोज उठते हैं, वैसे आज सुबह 5 बजे उठे, हम देखा तो नीचे गोदाम में आग की लपटें निकल रही थी, तो हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया और तुरंत ही कोई 5:15-5:30 बजे पहुँच गई और जाके हम नीचे लाइट वालों को बोला, तो लाइट वालों ने लाइट काट दी और उनकी मदद से जो हमारा नुकसान वो उसमें थोड़ी सी रोकथाम उन्होंने करवाई और सभी जो नज़दीक यहाँ के लोग थे वो आए, उन्होंने यहाँ पे आके सब ने इकट्ठे होकर आग बुझाई। मेरी थोड़ी बहुत ये इमारती लकड़ वगैरह, थोड़ा सा कोयला, थोड़ी सी लकड़ी वगैरह जल गई, जिससे मेरा कोई 5-5.5 लाख का नुकसान हो चुका है। तो आज से 3-4 साल पहले भी मेरे आग लगी थी और मैं आर्थिक मंदी के दौर से भी गुजर रहा हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से कि कुछ हो सके तो मेरी आर्थिक मदद।